डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हमारे पास एक रिएक्शन होगी ए प्लस बी विच गिव्स प्रोडक्ट्स, इस रिएक्शन की रेट क्या होगी एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन। द लॉ ऑफ मास एक्शन सेज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। मीन्स अगर हम इस तरह से लिखेंगे according to law of mass action जो rate of reaction होगी इसकी rate of reaction that would be directly proportional to product of molar concentration of reactants। और जो जो यहाँ पर reactant है वो है A और B, और molar concentration को हम represent करेंगे इस तरह से। सो इट इज़ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, ये किस रफ्तार से प्रोडक्ट बनाएगी ये रिएक्शन, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स each raised to the power equal to its numerical coefficient। अगर यहाँ पे numerical coefficient होंगे, let यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, ये numerical coefficients हमें इनको as power raise करना है। a का numerical coefficient है वन, इसको यहाँ पे लिखना है, b का भी वन, इस तरह से। चूँकि यहाँ पे वन है तो हम वन को omit भी कर सकते हैं। तो law of mass action हमें ये बताता है कि इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, वो डिपेंड करेगी कि इनकी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज़ इक्वल टू, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हटाने के लिए हम कॉन्स लगाएंगे के ए और बी, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ये यहाँ पे जो एक कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, वायर के इज constant of proportionality, onality proportionality, and is called इसको हम velocity constant बोलते हैं, velocity constant। इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसी तरह से अगर हम एक जनरल रिएक्शन इससे और एक इस तरह की रिएक्शन लिखें, मोर जनरल रिएक्शन लिखेंगे हम, जैसे कि अगर हमारे पास इस तरह से रिएक्शन होगी ए ए प्लस बी बी इट गिव्स दैट प्रोडक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन की रेट क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन वो हम इस तरह से लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of molar concentration of reactants each raised to the power equal to its numerical coefficient। यहाँ पर numerical coefficient क्या है इसका, ए, ये इसका power बनेगा इस तरह के, बी का जो होगा small b, और rate of reaction directly proportional हटाने के लिए हम constant लगाएंगे k a a b b, इट इज़ इक्वेशन सेकेंड।
ये रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिला, ये हमें इस रिएक्शन के लिए मिला है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी किसी भी रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अब इस तरह से डिफाइन करेंगे, दस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट एज रिप्रेजेंटेड by the balanced chemical equation. तो law of mass action क्या हम कैसे define करेंगे? According to law of mass action, the rate of reaction is proportional to the product of molar concentration of reactants. Molar concentration को हम active mass भी कहते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज रिप्रेजेंट बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थोड़ा इसको एक और एग्जांपल के साथ समझाएंगे। अगर हमारे पास एक रिएक्शन होगी N2+H2 जो अमोनिया यहाँ पे बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होने पे अमोनिया हमें यहाँ पे देता है। तो पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, नाइट्रोजन ट्वाइस 2 × 6 मीन 3। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की ये होगी मोलर कंसंट्रेशन, इसी तरह से हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, इनका प्रोडक्ट हमें लेना है ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ओमिट भी करें वो भी ठीक है। इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इस तरह से हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाने के लिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाएंगे, के N2 1 को हम ओमिट भी कर सकते हैं, H2 रेज्ड पावर 3। तो इस तरह से हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं एज पर लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम इसी लॉ ऑफ मास एक्शन को एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लिखें तो वहाँ पे हमें एक और लॉ मिलता है, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो हमें इस तरह से हम इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा
law of chemical equilibrium. अगर हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, लेट ए प्लस बी सी प्लस डी, तो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और इक्विलिब्रियम पे जो जो ये रिएक्शन है ए और बी आपस में कंबाइन होकर सी और डी देते हैं, तो हम फर्ज करें लेट जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज गिवन बाय दिस ए स्क्वायर ब्रैकेट, सिमिलरली मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इस तरह से है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी इज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए एट इक्विलिब्रियम, इसी तरह से इक्विलिब्रियम पे बी की जो मोलर कंसंट्रेशन है लेट दैट इज दिस, सी की मोलर कंसंट्रेशन है वो ये है, या डी की मोलर कंसंट्रेशन या हम कहेंगे जो इसका एक्टिव मास है, ए का एक्टिव मास जो है वो ये है. तो अब इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये किस रफ्तार से ए और बी किस तेज़ी के साथ सी और डी बनाएंगे, इसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के ज़रिए इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. चूँकि हमने यहाँ पे एक वो रिएक्शन लिखी है जो रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम पे ये ए और बी कितनी तेज़ी के साथ रिएक्ट करेंगी वो डिपेंड करेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लिखेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए और बी, या हम कहेंगे एक्टिव मास के बदले मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. तो ये जो रेट ऑफ हम फॉरवर्ड डायरेक्शन लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं एज पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे के, चूँकि हम ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे के एफ ए बी इक्वेशन फर्स्ट. तो सिमिलरली अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन को, तो किस तेजी के साथ सी और डी आपस में रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी. तो सिमिलरली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब किस तेजी के साथ सी और डी रिएक्ट करके ए और बी बनाते हैं, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी. तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे के, दैट इज
इलास्टिक कांस्टेंट, चूँकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हैं, तो हम लिखेंगे इसको के बी सी एंड डी। चूँकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हैं, तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं, तो उस हिसाब से हम इस तरह से लिख सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर आप देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमें बराबर है ऊपर के रिएक्शन के लिए के एफ ए बी, इट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है के बी सी एंड डी। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम ए और बी को राइट साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से के एफ, और के बी को यहाँ लेफ्ट साइड में लाएंगे के बी दैट वुड बी इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ए एंड बी। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर के एफ इज़ कॉन्स्टेंट, के बी इज़ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट दैट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड के, जिसको हम के लिखेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई ए एंड बी। तो ये जो कॉन्स्टेंट है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, के एफ कॉन्स्टेंट होगा, के बी भी कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट दैट इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, वायर के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अब याद रखेंगे, तो यहाँ पर एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, हमने यहाँ पे सी और ये ए और बी को इस साइड में लिया है राइट साइड में, तो हम सी और डी को ही लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं, मगर कन्वेंशन है कि आपके प्रोडक्ट्स होंगे, देखिए अगर आप यहाँ देखिए इस रिएक्शन जो हमने रिएक्शन लिया है यहाँ पे प्रोडक्ट जो होगा वो न्यूमरेटर ही रहना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या हम ए और बी को ही राइट साइड में लेना है न कि इसको, ये कन्वेंशन है, तो जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे जिस रिएक्शन का आप ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो प्रोडक्ट जो हैं वो न्यूमरेटर में रहेंगे और रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में रहेंगे, या फिर याद रहेंगे, और ये जो के है इट इज़ कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो ये जो हमें एक इक्वेशन मिली है, लेट इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड क्या है, इट इज़ मैथमेटिकल इक्वेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमें मिली है इक्वेशन थर्ड, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे इक्वेशन थर्ड जो है is called law of chemical equilibrium, या फिर याद रखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन थर्ड लिखी है, इक्वेशन थर्ड यहाँ पे जो k है इट इज़ कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट,
और जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमें मिली है इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये जो के है इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो अगर हम एक मोर जनरल रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, अगर हमारे पास एक रिएक्शन होगी एक्स ए प्लस वाई बी गिव जेड डी प्लस क्यू सी, मैंने एक और यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है एट इक्विलिब्रियम। हम अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहेंगे तो सिंपली क्या लिखेंगे आप, के दैट इज़ इक्वल टू, आपको पहले जो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है, दैट इज डी एंड सी ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। डी के लिए है जेड और सी के लिए है क्यू डिवाइड बाय ए इसकी मोलर कंसंट्रेशन और बी इसकी मोलर कंसंट्रेशन इज रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दैट इज एक्स एंड वाई। ये जो इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन है हमें इस रिएक्शन के लिए जो मिली है इट्स ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो अगर हम वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस करना चाहेंगे according to law of chemical equilibrium, the product of molar concentration of products, the product of molar, the product of molar concentration of products each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient product of molar concentration of products each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient divided by the product of molar concentration of reactants each raised to the power equal to its stoichiometric coefficient is constant at a constant temperature
कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो सिंपली अगर हमारे पास कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी जो इक्विलिब्रियम पर होगी तो हम इसको आराम से उसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर एक और रिएक्शन लिखना चाहूँगा। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस H2, इट गिव्स अमोनिया। पहले आपको रिएक्शन बैलेंस करनी होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 2, 2, 3 6, यहाँ पे 3। तो अगर आपको इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखना है तो K दैट वुड बी इक्वल टू, पहले आप प्रोडक्ट का लिखेंगे, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, इसकी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ईच रेज टू द पावर इक्वल टू न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, वो 2 है, डिवाइडेड बाई, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट लिखना है, मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना है। तो N2 और H2 इनका प्रोडक्ट ईच रेज टू द पावर इक्वल टू न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 1 है, जो आप यहाँ पे अगर ना भी लिखे वो भी ठीक है, मगर इसका जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 3 है, वो इस तरह से है। तो ये होगा इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखने के लिए अगर आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, पहले आप प्रोडक्ट लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन, जो उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा वो उस मोलर कंसंट्रेशन का पावर बनेगा, डिवाइड बाय डिवाइडेड, उसको डिवाइड करेंगे फिर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स से, उनके भी जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं वो अपने रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का पावर बन जाएगा, यहाँ पे जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर, अगर आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखेंगे, जो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिला है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमें मिली है, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।